नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल के कोयफिजा इलाके में रहने वाला हिस्ट्री शीटर बदमाश जावेद चिराटा की एक्टिवा गाड़ी पर दो लोगों ने आग लगा दी। दरअसल जावेद 2-3 दिन पहले ही जेल से छूटा है। जावेद ने बताया कि उसका चिंटू और अरशद से पुराना विवाद चल रहा है। 2 दिन पहले इन्हीं लोगों ने मुझे छुरी मारने के झूठे केस में फंसाने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए तो मंगलवार सुबह मेरी गाड़ी में आग लगाकर फरार हो गए। मेरी मां जब इसकी रिपोर्ट लिखवाने कोहफिजा थाने गई तो उनको वापस कर दिया। जावेद का आरोप है कि चिंटू और उसके भाई ने मेरी मां और पत्नी को लेकर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसकी शिकायत थाने और डीसीपी रियाज इकबाल को भी की थी। सीडी बनाकर भी दी थी, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं एडिशनल डीसीपी रामस्नेही मिश्रा ने कहा कि अभी तक थाने के संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। यदि पीड़ित इसकी शिकायत करता है तो कार्रवाई की जाएगी। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। साहब, ये घर पे सो रहा था, रात को 3 बजे आके अरशद चिंटू दोनों भाई हैं। ये अरशद नाम का व्यक्ति है, अकरम मौलाना की औलाद है। ये अपना नाम अशरफ फिर से बना नहीं। मैं निवेदन है कि आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे सुनवाई की जाए और इस केस की मालूम की जाए। चिंटू उर्फ अरशद है, दोनों भाई हैं, अलग अलग अपराधी किस्म के लोग हैं। साहब सड़क गांजे का व्यापार है, ऊपर ब्रेकर के ऊपर रहते हैं और पुलिस उनकी कोई अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं कर रही है। और आज पर ये मेरे साथ हुआ था और मेरे खिलाफ कोई झूठी सच्ची रिपोर्ट भी करने जाता है, तुरंत कार्रवाई की जाती है। साहब मैं यही चाहता हूँ कि साहब मैं क्या करूँ, आप ये बताइए। उक्त संबंध संज्ञान में तो अभी तक नहीं आया हुआ है। अगर ऐसी कोई बात है तो पीड़ित पक्ष थाने पहुँचे और थाने को मेरे द्वारा कॉल किया जा रहा है अभी, और अगर ऐसी कोई स्थितियां घटित हुई हैं तो उसकी पूर्ण जांच की जाएगी। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।